बता दें कि बीती रात बारिश होती रही, लेकिन इस बारिश में चोरों ने घर को निशाना बना लिया, जिसमें से लगभग 2 लाख रुपए का माल और जेवर चुरा ले गए। हम आपको पूरी बात बता दें कि थाना सदर बाजार क्षेत्र में बी विजय हत्तब के निवासी इलियास का दूसरा घर एक कटिया रजब में है, जहां पर वो गए हुए थे अपने बेटे का हकीका करने के लिए। उनका मकान अकेला खाली पड़ा हुआ था, लेकिन बीती रात रात भर बारिश होती रही, इसीलिए चोरों ने निशाना बना के उस घर में घुस गए। और घर में घुसने के बाद विंडो तोड़ी, उन्होंने तोड़ने के बाद लगभग 2 लाख रुपए का माल जेवर व 20,000 रुपए नकदी निकाल ले गए। आप देख रहे हैं, चोर जो बकसिया रखी थी, जिसपे कलाम पाक के पारे रखे हुए थे, चोरों ने उनको भी खंगाला। हम आपको बता दें कि पूरे बड़े इत्मीनान के साथ चोर चोरी करते रहे, क्योंकि उनको निश्चिंत थे, उन्हें पता था कि मकान में कोई नहीं है। और पूरी बात यह है कि जब सुबह होते ही पता चला तो हड़कंप मच गया। हालांकि मौके के ऊपर पुलिस पहुंची, लेकिन भाई इलियास का कहना है कि चोर चोरी करके ले गए, जिसमें 1 जोड़ी झूमर, 3 जोड़ी पायल, 2 अंगूठिया, टीका, इसके साथ साथ उनका कहना है कि और भी बहुत सा सामान है, यहाँ तक के बैटरा और उसके बाद में सिलेंडर और 20,000 रुपए नकद ले गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही। और वही बीती रात धमाकेदार बारिश होने के साथ बारिश ने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए, गर्मी से राहत महसूस करी लोगों ने। हम आपको बता दें कि कल पूरा दिन बारिश होती रही, उसके बाद में रात में भी बारिश हुई, रुक रुक कर बारिश होने का नजारा जारी रहा, लेकिन गर्मी से राहत तो लोगों को मिली है। वहीं आज जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, लेकिन बारिश का दौर आज भी जारी है, रुक रुक कर हो रही है बारिश। मोदी सरकार और योगी सरकार को रोकना होगा इस महिला का जारी किया हुआ वीडियो वायरल, क्योंकि इस महिला ने जो वीडियो वायरल करा है उसमें धर्म से जुड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें धर्म के प्रति जो इसने बातें कही हैं वो काफी चिंताजनक है, जिससे समुदाय में रोष पैदा हो सकता है। इसलिए इस महिला के वीडियो किया हुआ वायरल रोकना होगा, महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि यह महिला को देख रहा है, इसने वीडियो वायरल करा है जो धर्म से संबंधित है और भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। इसलिए मुमकिन है कि इसके वीडियो को वायरल रोककर और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब